वर्धमान थ्रेसर में आपका स्वागत है। ये वर्धमान मल्टीक्रॉप थ्रेसर है। इसमें आपको राहर, तुअर, ज्वार, बाजरा, सरसों और सूखा मूंग उड़द की सेटिंग इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप मशीन का ढक्कन खोलेंगे इस प्रकार से, और उसमें जो ग्रिल जाली जो लगाना है, ये कंपनी से आपका आता है, जो गोल सरिया का जो जाली आता है, ये आपका चना वाला जाली, जिसमें आपका ये ढाई सूत का बोल्ट आप डाल के देखना, ये 13 नंबर का बोल्ट है। ये बोल्ट आपका इसमें फ्री जाएगा, हर एक लाइन में ये फ्री जाएगा। इसमें जो गोल सरिया वाला जो जाली रहता है, यही लगाना है। ये चना का जाली है, चने की जाली बोलते हैं कंपनी के तरफ से। इसमें आपको चने के जाली में इस प्रकार से चोक प्लेट लगा रहता है, ये चोक प्लेट को अलग निकाल देना है ऐसा। और इसके बाद में ये जो दोनों जाली में लगा रहता है, दोनों जाली का चोक प्लेट को अलग निकाल देना है और मशीन में इसमें फिट करना है। मशीन में फिट करने के बाद में इसको इस प्रकार से लगाना है, इसमें चने के जाली जो है ड्रम जाली। ये देख, चना का जाली है, इस प्रकार से लगाना है। और ये जो कटर बोल्ट की जो लंबाई है, उसकी जो है 3.5 इंच, 3.5 इंच रहेगा। ये जो कटर बोल्ट की जो लंबाई है, ये यहाँ से आपका 3.5 इंच रहेगा, और जो छोटा जो रहेगा वो आपका रहेगा 2 इंची। जो बोल्ट आपका बड़ा रहेगा वो 3.5 इंच रहेगा, और जो छोटा बोल्ट रहेगा वो 2 इंच रहेगा। इसमें आपको बोल्ट की सेटिंग इस प्रकार से करना है, एक बोल्ट बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ का बोल्ट बड़ा हो गया, उसी प्रकार से आपको सामने से भी ये पत्ती का फर्स्ट वाला बोल्ट बड़ा रहेगा, उसके बाद एक छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा। इस प्रकार से आपका बोल्ट का सेटिंग रहेगा तुअर के लिए, जैसा वीडियो में आप देख सकते हो। और ये तलवार जो है आपका, सारे तलवार जो लगे रहेंगे, और ऊपर का ये वाला जो चांद है, ये चांद भी लगा रहेगा। और चांद में इस प्रकार से जो खिड़की जो आता है, इस प्रकार से छोटा सा जो खिड़की जो लगा रहता है, इसी को खोलना है। ये जैसा आपका खुला हुआ है, चांद की सेटिंग आपको इस प्रकार से करना है। और ये नीचे वाला चांद आपका लगा रहेगा, ये पूरा पूरा लगा रहेगा नीचे वाला चांद। आपको सिर्फ ऊपर का जो चांद है, इसी का खिड़की बस खोलना है। ये आपका जो फिंगर जो लगा रहता है, इस प्रकार का जो फिंगर है, ये जो फिंगर है, ये चारों फिंगर को आपको निकाल देना है, कोई भी फिंगर नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आपका इसके नीचे में जो एक प्लेट के नीचे एक जो ये पहला नंबर का जो पंखा है, उसके नीचे में एक प्लेट लगा रहता है दोनों तरफ से, वो प्लेट को भी निकाल देना है, बाहर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये जो जाली जो है, ये छन्ना जाली जो है, लंबा वाला जो है, ये आपका 3 सूत का रहेगा, जिसमें आपका 15 नंबर का बोल्ट जाएगा। देखिए ये आपका 15 नंबर का बोल्ट है, ये चलना जाली जो है बड़ा वाला, आपको ये 3 सूत वाला लगाएगा। 3 सूत का जो बोल्ट है वो फिक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका पीछे वाला जो छन्ना है, ये भी आपका 3 सूत वाले ही रहेगा। ये जाली लो करना, आपका यहाँ पर जो जाली रहेगा, ये आपका 3 सूत वाला जाली रहेगा, ये बड़ा वाला जाली है, जिसमें आपका यह जाली रहेगा आपके जस्ट ड्रम के नीचे में। और जो आपका स्पाउट वाला जो जाली है, ये भी आपको 3 सूत वाला लगाना है। और इसमें आपको जैसे आप उसकी मिंजाई करेंगे सरसों का या मूंग उड़द का, तो उसके लिए आपको जाली जो है 2 सूत का लगाना है। ये 2 सूत का जाली जो है सिर्फ आपको ये स्पाउट में ही लगेगा, ये वाला में। इसमें बोलना कि ये 10 नंबर का जो बोल्ट है वो आसानी से जाएगा, ये आपको इस स्पॉट में लगा देना है। आपका सरसों हो गया, मूंग उड़द हो गया, उसके लिए आपका जाली जो है ये 2 सूत वाला जाली डाल देना, बाकी फसल में आपका ये 3 सूत वाला जाली काम आएगा। बड़ा छन्ना जो है आपको यहाँ से डालना है,
ये बोल्ट खोलना है और उसके बाद में फिर वो बोल्ट, एक बोल्ट वहाँ पर दिया गया उसको ढीला करना है और एक बोल्ट आपका यहाँ पर है इसको ढीला करना है। उसके बाद ढीला करने के बाद में जाली आपका यहीं से बाहर आएगा और जाली आपको यहीं से लगाना है। जाली लगाने का तरीका बताओ। इस प्रकार से ऐसा दो आदमी से जाली निकलेगा और दो आदमी से इस प्रकार से यहीं से जाली जो है आपका बाहर आएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। कटर बोल्ट का सेटिंग आपको इस प्रकार से रखना है, है ना। एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा। इसी प्रकार से सभी लाइन का वैसे ही करना है आपको। और उसके बाद में चांद को देखिए, चांद का जो खिड़की है वो ऊपर वाला चांद पूरा लगा रहेगा, ऊपर वाला चांद में जो छोटा सा जो खिड़की रहता है वही निकलेगा और नीचे वाला चांद आपका पूरा लगा रहेगा। ठीक है, और ये फिंगर आपको निकाल देना है, ये चारों फिंगर को आपको निकाल के रख देना है। ठीक है सर, और बाकी आपको पंखे का जो सेटिंग है आपको अपने दाने के हिसाब से करना है। दाने की सफाई के लिए आपको पहले नंबर का पंखा जो है, ये वाला जो पंखा है, वो जाली से मात्र आपको 1.5 इंच में रखना है, ये यहाँ से